हेलो दोस्तों, मैं उनिया सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूँ हिना गौहर और सिद्धार्थ की अपडेट। जी हाँ, हिना गौहर और सिद्धार्थ, जहाँ सिद्धार्थ ये दावा कर रहे थे कि घर के निकलने के बाद मतलब फिल्म सिटी के गेट के बाहर वो निकलेंगे और ये तीनों रिश्ते अलग हो जाएंगे, मतलब हिना अपने राह पे चल देंगी, गौहर अपने और सिद्धार्थ अपने, और तीनों किसी को बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ, एक नॉर्मल अगर कभी किसी इवेंट पे मिल गए या किसी जगह पर वो मिल गए तो एक दूसरे से हाय हेलो जरूर करेंगे। वही सिद्धार्थ ने सारी बातों को झूठा साबित किया है, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक ऐसा पोस्ट किया है जिससे ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी है, जो उनका पोस्ट काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। उन्होंने ये बात साफ कर दिया है कि भैया वो जो 14 दिन का रिलेशन था वो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। तो चलिए, आखिरकार सिद्धार्थ ने क्या पोस्ट किया है और उस पर हिना और गौहर का किस तरह का रिएक्शन आया है? क्या इनकी दोस्ती सच में घर के अंदर जिस तरह वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, बल्कि उनकी दोस्ती और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है? सारी चीजों पर इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जहां पे सिद्धार्थ शुक्ला जैसे ही घर से निकले उन्होंने एक पोस्ट किया और वो उस पोस्ट पर उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि वो बिग बॉस का घर कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 14 दिन का उनका जो वो सफर था बिग बॉस के अंदर वो कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद सीखी, और साथ में स्पेशली अगर वो किसी को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं तो वो हिना और गौहर है। वहां पे उन्होंने मेंशन किया है उनके साथ खाना हो या उनके साथ कहीं बाहर वॉक करना हो या कुछ करना हो, वो उस चीजों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। दोनों को टैग करते हुए उन्होंने ये बात भी लिखा है, जिस पे हिना ने कहा है बिग हग करती हूं मैं आपको, मैं भी बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं उस चीज को। उस पे गौहर ने भी रिएक्ट करते हुए कहा है कि लव यू टू, मैंने आपको मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, शायद आप इतने ज्यादा बिजी हैं कि आपने वो मैसेज नहीं देखा है। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला की अगर मैं बात कहूं तो उन्होंने बिग बॉस 13 में ये बात क्लियर कर दिया था कि वो मैसेजेस मोबाइल्स पे बहुत कम एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जब उनका और शहनाज की बातें होती थी, शहनाज उनको कहती थी कि भैया मैं आपको फोन करूंगी या मैं आपसे बात करना चाहूंगी, तब वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला ने साफ तौर पे कहा था कि मैं फोन जल्दी उठाता ही नहीं हूं, मतलब मेरी वो आदत है। तो शायद से गौहर का वो ट्वीट साफ तौर पे ये बात साबित करता है कि भैया अगर सिद्धार्थ शुक्ला को आप व्हाट्सएप किए हो तो शायद वो देखे नहीं है। पर सिद्धार्थ का वो स्वीट मैसेज जो उन्होंने हिना और गौहर के लिए कहा था, वो ये बात साबित करता है कि उनका एक स्ट्रांग कनेक्शन इन दोनों के साथ बन चुका है। और वही हिना ने हमेशा कहा था कि हमारा एक रिलेशन भले ही हम कुछ पल के लिए घर के अंदर है, चाहे जैसे भी है, पर एक स्ट्रांग कनेक्शन हो चुका है जो घर के बाहर जरूर चलेगा। वही अगर मैं हिना और गौहर की बात करूं तो दोनों घर से निकलने के बाद भी दोनों ने कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताया, दोनों ने काफी सारी बातें एक दूसरे के साथ की है, वहीं दोनों फिर अपने अपने रास्ते चले गए, पर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वही सिद्धार्थ पे कहीं ना कहीं ये डाउट था कि दोनों इन दोनों के साथ अपना कनेक्शन कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, पर सिद्धार्थ का ये ट्वीट साबित कर चुका है कि ये भी इन दोनों के काफी करीब आ चुके हैं। तो वेल, अब ये तीनों एक दूसरे के साथ हैंगआउट करते हुए, बातें करते हुए या कहीं पिक्चर्स में एक दूसरे के साथ वो नजर आ सकते हैं, घर में पार्टीज करते हुए। अब जहां पे सिद्धार्थ का ये जो ट्वीट था वो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, उसी के साथ चलिए आपको बता देती हूँ कि ये जो तीनों जोड़ियां हैं ये बहुत जल्द वापस आपको बिग बॉस के अंदर नजर आएंगी। अभी फिनाले के वक्त नजर आएंगी या तो उसके थोड़े दिन पहले ये तीनों वापस बिग बॉस 14 का पार्ट कितने पल के लिए बनेंगे ये तो चाहे जैसे भी हो, पर दोनों तीनों एक दूसरे से कितना ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, कितना ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। भले ही घर का जब निकलते हुए घर में लाखों झगड़े हुए थे इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में एक तरह से, पर घर से बाहर आते हुए सारे झगड़े बंद हो गए, वो सारी जो चीजें थी जो तीनों एक दूसरे के लिए लेकर रखे थे वो सब कुछ खत्म हो गया फिल्म सिटी के गेट से निकलने तक के लिए ही, क्योंकि ट्वीट तो साफ तौर पर साबित करता है कि तीनों एक दूसरे से काफी करीब आ चुके हैं। वेल, आप कितना ज्यादा एक्साइटेड इन तीनों को फिर से साथ में देखने के लिए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।